हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ द सेकंड इंट्रो मैंने इससे पहले इंट्रो रिकॉर्ड किया था लेकिन बीच में अब एडिशन हो चुके हैं कुछ तो मैंने कहा तुम लोगों को दोबारा अपडेट कर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थिंग्स टू डिस्कस हियर एक जो स्ट्रीम स्वाइपिंग इशू था आई हैव टॉक टू द गाय जो के स्ट्रीम स्वाइपिंग्स में इन्वॉल्व था और मुझे और भी कुछ बातें पता चली हैं मोस्टली नॉट गना टॉक अबाउट इट एंड वी विल टॉक अबाउट वेरियंट का जो इशू था एंड

मेरा पॉइंट ये था कि यार वो इस्लाम को यूज़ कर रहा है ही क्लेमिंग इतनी बड़ी चीज़ मेरे पे इतना बड़ा ब्लेम लगा रहा है जस्ट बिकॉज ही थाट कि मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का तो अक्सर चीज़ें यार मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बंदा ना अपने बुक कवर के अंदर नहीं रखता मैं अगर मुझे नॉलेज है भी ना तो मैं बहुत अंदर ही रखता हूँ अपने तक ही रखता हूँ के अंदर ये मैंने देखा एक दो बॉयज़ लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई वो तो बस आपको कमेंट कर रहा है

ये हाइड्राफ्लिक के कमेंट को लाइक किया हुआ पिन किया हुआ वो ये कह रहा है तो वो मेरा मैंने किसी का कमेंट लाइक किया हुआ था ठीक है ना कि उसने मुझे कुछ ऐसे गेम गेम के लिहाज से पबजी के लिहाज से बोला था कि यार आप बहुत अच्छा खेलते हो यू आर गॉड इस तरह करके ना उसने मतलब गॉड पबजी गॉड इस तरह करके अक्सर लोग बोल देते हैं ज़्यादातर इंडियंस होते हैं तो ऐसे बोल देते हैं तो मैंने उसका कमेंट लाइक किया हुआ था अब मैं कमेंट हेडफुल वाले भी लाइक करता हूँ दोस्तों वाले भी लाइक करता हूँ कोई मुझे क्या कहते हैं क्या कहते हैं गाली दे रहा है कोई मुझे करेक्शन कर रहा है तो उसका भी कमेंट मैं लाइक करता हूं क्योंकि मैं पढ़ लेता हूं तो फिर मैं लाइक करता हूँ यार मैंने पढ़ लिया ये कमेंट लाइक like को ऐसा ये नहीं लेता कि भाई आए वही बात है कि डू यू को नैम हमास यू को नैम हमास वाली बात नहीं वही याद आती है कि अब मैंने लाइक कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं मैं अब इसराइल की साइड पर हो गया हूँ या तो मेरी साइड फलस्तीन की है फ्री फलस्तन और क्या कहते हैं लेकिन यू काज गॉट द पॉइंट तो इसमें कोई ओपिनियन नहीं था सब लोगों ने यार अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भेजा और इस मैटर में ज़रा अपना दिमाग लगाया आई एम थैंकफुल फॉर देट ऐसे ही होना चाहिए और क्या कहते हैं अबाउट वेरियंट तो वेरियंट ने मुझे कॉन्टैक्ट वगैरह कर लिया एंड वेरियंट uh, ने आके जो है ना मुझे डिस्कॉर्ड पर यू नो मैसेज मैसेज किया ठीक है उसने थोड़ा शुरू में तो uh, हमारी उस तरह बात नहीं है लेकिन एट दी एंड वी सॉटेड थिंग्स आउट एंड uh, क्या कहते हैं मुझे और भी कुछ बातें पता चली uh, कुछ लोगों के बारे में और uh, क्या कहते हैं स्ट्रीम स्नाइपिंग से रिलेटेड और uh, क्या कहते हैं अब मैं इस पर कुछ चीज़ें मैं आगे बताना नहीं चाहता क्योंकि अब वेरिएंट हैज़ अपोलोजाइज्ड ठीक है और uh, ही uh, क्या कहते हैं उसने बता दिया यार कि आई थिंक उससे मिसटेक होगी उसने बहुत मिस कर लिया था मुझे तो ही अपोलोजाइज और मुझे भी यार मैंने भी उसको गाली वगैरह दी मैंने भी उसको बोला वो उसके लिए बाकी well. बाकी यही बात है uh, this is, this is it. बाकी यार क्या कहते हैं अगर सीखने की बात है, इसमें जज नहीं करना चाहिए और अगर जज कर लिया ना तो फिर बी रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बस इतनी सी बात है तो बी रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट और कुछ, और मुझे भाई आके किसी ने कहा ना कि यार तुमने वीडियो क्यों बनाई है तो फलाना क्यों बनाई है ब्रो एज लॉन्ग एज यू हैव द राइट टू जज मी आई हैव द राइट टू स्पीक ऑन इट तो अब खुद देख लो कि किसके आगे क्या बात करनी है आई एम अ वेरी सिंपल मैन मेरे अंदर कोई इतने इशूज़ वगैरह नहीं है आई एम अ वेरी सिंपल मैन और मैं बहुत डायरेक्ट हूँ और मैं फिर मैं नहीं देखता होता फिर कैसा क्या है मैं समझ लो इसको तुम पी टी एस डी लो तो तुम जी टी एस डी लो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बाकी एस पी लो टी टी एस डी क्या होता है वैस खैर खैर थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग इन टू इट और uh, मैं ये कहूंगा कि यार अगर तुम जाके अब हेट वेरियंट को दे रहे हो ठीक है तो ये भी बात गलत है वेरिएंट uh, जो है क्या कहते हैं मतलब मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि जाके भाई किसी को हेट दो ऐसा कुछ नहीं है तुम लोगों ने इस मैटर में अपना दिमाग लगाया इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की काफी सारों ने मिडल की बात की किसी ने मेरी सपोर्ट में की किसी ने उसकी सपोर्ट में की मैं थोड़ा बहुत ये भी क्लियर कर दूं कि यार वेरियंट की और वेरियंट ने जो अपोलॉजाइज किया वो किस वजह से किया आई डिडेंट फोर्स हिम टू डू एनीथिंग ठीक है मैंने उसे कुछ नहीं ऐसे कहा कि भाई मेरे से माफ़ी मांगो तो फलाना तो निमकाना Uh, ऐसा कुछ नहीं था ही केम बाय हिम सेल्फ एक्चुअली उसने किसी कोई मेरे ख्याल कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी मुझे मेंशन किया था तो आई जस्ट रिसीव दैट और मुझे ना काफ़ी सारे लोग बॉटिंग करने लग गए थे मतलब कमेंट्स में डिसलाइक्स में जाना क्या कहते हैं स्पैम करने लग गए थे जो कि उसी ने भेजे थे भाई साहब तो उसमें कुछ लोगों ने वेरियंट इस गोट लिखना शुरू कर दिया था कुछ लोगों ने कहा कि यार मनोपली नहीं है ये Uh, क्या कहते हैं आई थिंक यू हैव टू नो द वर्ल्ड लिटल बिट मोर और थोड़ा सा ना आप भी ज़रा आउट गोइंग हुए जिसको लगता कि था कि आगे और कहीं ये मेनोपली नहीं है या इसके अलावा कुछ मैटर मेनोपली नहीं है तो थोड़ा सा आउट गोइंग हुए और आपको यू विल सी वट आई एम टॉकिंग अबाउट और एक बंदा कह रहा था कि स्क्रिप्टेड है

बच्चे हैं यार मतलब वो, वो, पच्चीस यार तो से नहीं था। मतलब <laughs> इतना वो अभी तक वो बचका भाई दो हजार चौबीस आ गया यार थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने दिमाग को थोड़ा सा चेंज लाओ अभी भी वो पुराने सी एस वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट सिक्स वाले जो है तुम लोगों के माइंड सेट है तो अब ये बातें कोई और कर नहीं रहा अक्सर लोगों के दिलों में होती है ये बातें कोई करता नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ मेरी जान मैं गिव मी द हेट यार आई डोंट केयर टू बी ऑनस्ट लेकिन गिव मी द हेट हेट वगैरह देनी है दो उसका तुम्हारा भाई पहले से तैयार बैठा तो उसका इशू नहीं है बाकी दैट्स इट फॉर टुडे टेक केयर गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी बात बुरी लगी हो तो आई अपोलोजाइज टू बी ऑनस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं कहते हैं माफ़ी मांगता हूँ मुझे uh, मैं इस तरह का नहीं हूँ कि मैं किसी का दिल लुखाऊँ और मैं बड़ा आगे से खुश हो जाऊँ ऐसा नहीं है तो जिंदगी में और बड़े मसले हैं। ये तो फिर भी छोटा मसला था तो ख्याल रखिए आप सब अपना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते <laughs> देरी हो गई क्योंकि इसलिए बोल रहे कुछ कमेंट्स लोग आते वीडियो करते आके ये वो टार करते और ये ऐसे लोग थे जो बड़ी देर से जब अदर साइड स्टोरी पता ही नहीं है आके बात कर रहे वो सिर्फ एक कमेंट किया और मैंने उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते। वो वो फिर, क्या कहते हैं वो फिर किसी और का इशू मेरा इशू नहीं है भाई वही बात है ना कि मैं सेम चीज है की तो लोग उसको एज अ फ्लेक्स ले रहे हैं